तो आज हम बनाने जा रहे हैं एवोकाडो रागी पराठा। देखिए, मैंने दो रागी की रोटी ऑलरेडी बना के रख दी है, कच्चा पक्का सेक लिया। अब एवोकाडो के मिश्रण में हमने डाला है, इसके अंदर हरा प्याज होता है ना, उसका प्याज फाइन चॉप करके, टमाटर का वाटरी पोर्शन मत डालिएगा वरना ये सॉगी हो जाएगा, टमाटर चॉप करके डाला हुआ है, हल्का सा लेमन डाला हुआ है जस्ट लिटिल खटास के लिए, और नमक और पेपर। आप चाहे तो अगर आप चाहे तो पीरी पीरी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है स्पाइस हर्ब्स वो आप सब डाल सकते हैं, बट मुझे इसको सिंपल रखना था बिकॉज एवोकाडो का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इफ़ यू कीप इट सिंपल। अब इसे अच्छे से इक्वली स्प्रेड करके ऐसे लगा लीजिए एक रोटी के ऊपर, बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा वरना ये अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर निकल जाएगा बाहर से। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है डिलेक्टा का अनप्रोसेस्ड चीज, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने हल्का सा डाला है ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए और उसमें एक बढ़िया सा चीज़ी फ्लेवर भी आ जाए। देखिए, मैंने साइड्स में बहुत अच्छे से लगा लिया है ताकि जब मैं इसके ऊपर दूसरा रोटी रखूँगी तो सेकते वक्त वो बाहर नहीं निकलेगा, उसे अच्छे से बाइंड कर लेगा। प्रेस कर लीजिए, आप जैसे पराठा बनाते हैं वैसे ही गर्म तवे पे आपने इसको डाल दिया है। मैंने घी यूज़ किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट एब्सोल्युटली हेल्दी। आप चाहे तो तेल यूज़ कर सकते हैं, बटर, व्हाटएवर। फिर इसे अच्छे से ऐसे क्रिस्प कर लीजिए एग्जैक्टली जैसे पराठा बनाते हैं। अब देखिए, ये सिक गया है बहुत अच्छे से, मैंने इसे लो फ्लेम में सेका है ताकि इसके अंदर का चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, अब ये रहा ना, अब इसे पीसेस में काट लीजिए और अपने नन्हे मुन्ने छोटे से बीबीज को खिलाइए। ओह गरम है। मैंने इनसे पूछा है कि 100 में कितने मार्क्स हो गए, इन्होंने कहा 10 मिलियन मार्क्स मम्मा। चलिए, आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा।